नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने दोबारा से एक लेटेस्ट वैकेंसी लेकर के आया हूं, जो एयरफोर्स स्कूल की है और ये वैकेंसी अच्छी है दोस्तों। इसमें एज भी आपका जो है अपर एज लिमिट जो है वो ज़्यादा है, इसके अलावा जो है सैलरी भी अच्छी है और ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो वैकेंसीज़ के डिटेल देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो लेटेस्ट हर एक तरह की वैकेंसी की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन हर एक तरह की वैकेंसी की सबसे पहले आपको मिले और आप उस वैकेंसीज़ का लाभ सही टाइम पर ले पाए दोस्तों। तो दोस्तों, ये एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी है जो राजस्थान में है। तो वैकेंसी के लिए हम पहले वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और इस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो PGT कॉन्टेक्चुअल हिंदी की एक पोस्ट है, सैलरी 25,500 है। PGT इंग्लिश की एक पोस्ट है जिसमें सैलरी 25,500 है और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 50% मार्क्स विथ बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए दोस्तों, यानी BEd होना ज़रूरी है। इसके अलावा PGT मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है, PGT मैथ कॉन्टेक्चुअल की एक पोस्ट है। इसके अलावा PGT ज्योग्राफी, PGT हिस्ट्री, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT SST की एक पोस्ट है। सैलरी सभी में 25,500 है दोस्तों, और PGT SST में आपका मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए 50% मार्क्स से, और इसके अलावा जो है आपका BEd होना ज़रूरी है। इसके अलावा PGT फिजिकल एजुकेशन और TGT गेम कॉन्टेक्चुअल की वैकेंसी है, इसमें सैलरी 25,000 है TGT में। PGT कंप्यूटर की वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर की, जिसमें 25,500। PGT कॉमर्स जिसमें सैलरी 25,500। PGT इकोनॉमिक्स जिसमें सैलरी 25,500 है दोस्तों, यानी सारे में PGT की जो वैकेंसी है मास्टर डिग्री के साथ BEd होना ज़रूरी है और सैलरी आपका 25,500, TGT में सैलरी 25,000 आपका है, और इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। एज की जो है गणना 21 से 50 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। 5 ईयर जो है वोमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, और एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट हिंदी इंग्लिश दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा CTET STET क्वालिफाई हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन के टाइम में। लास्ट डेट दोस्तों इसका 6 जून 2021 है, और जो एप्लीकेशन मोड है वो आप देख सकते हैं, कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम एयरफोर्स स्कूल जैसलमेर वेबसाइट, फील्ड इन एप्लीकेशन एलॉन्ग विथ ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल जैसलमेर राजस्थान। पिन नंबर जो है आप यहां पे दिया गया है 345001, और आप जो है मे बी सेंड बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों, और ड्रॉप्ड एट स्टील बॉक्स एट प्लेस ऑफ मेन गार्ड रूम एयरफोर्स स्टेशन, यानी वहां पे के ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं जो जैसलमेर के हैं, या फिर मेल करना सबसे उचित रहेगा अभी के टाइम में। 6 जून से पहले आपको कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने डाउनलोड करके दिखाया, और क्वालिफिकेशन की स्कैन कॉपी आपको मेल करना है। आप अगर मेल से भेजते हैं तो जेरोक्स करना है, अगर आप बाय जो है सेंड करते हैं तो। आप सबसे पहले दोस्तों यहां पे वेबसाइट नोट कर लीजिए जिससे आपको सारा डिटेल्स मिल पाएगा, www.afsschooljaisalmer.com, और जो मेल ID है आप वो भी नोट कर लें, afs_jaisalmer@rediffmail.com है दोस्तों। आप अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 02992256027 पे भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यहाँ टीचिंग पे आपको क्लिक कर देनी है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी है टिक लगाना है, और डेट ऑफ बर्थ देना है दोस्तों, मैरिड है या सिंगल है, वो कैटेगरी आपकी देनी है, डिफेंस से या सिविलियन अगर है तो, और हस्बैंड नेम फादर्स नेम यहाँ पे देना है आपको। इसके अलावा जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो देनी है, और रेसिडेंशियल अगर टेलीफोन है तो, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल ID देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन का आ जाता है, और क्वालिफिकेशन की कॉलम में डिग्री डिप्लोमा जो भी है, BEd अगर है, कौन सा ईयर में आपका जो है
पास किए हैं वो नेम ऑफ स्कूल कॉलेज बोर्ड परसेंटेज ये सारा फिल करना है आपको दोस्तों। और नेक्स्ट जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 13 नंबर कॉलम में आपको फिल कर देनी है इंस्टीट्यूशन का नाम, कब से कब तक आप वहाँ पे पढ़ाए हैं, क्लास किस क्लास को, किस सब्जेक्ट को, और जो है कितना पीरियड पर वीक आप लेते थे वो देना है। टोटल एक्सपीरियंस लिखना है, सैलरी लास्ट टाइम आपको कितना मिला है वो लिखना है, और कंप्यूटर में क्या क्या जानकारी है, फैमिली बैकग्राउंड भी यहाँ पे देनी है जिसमें फादर या फिर आपके हस्बैंड है तो एज, प्रोफेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब, चिल्ड्रेन की भी एज, आपको क्लास और स्कूल का नाम देना है और ये यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर के साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और जो एड्रेस मैंने बताई है उस एड्रेस पे आप भेज देंगे। मैं एड्रेस एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये देख लें दोस्तों वीडियो रोक करके, अब मेल आईडी मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वैकेंसी को फिल करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन के टाइम में। अगर वैकेंसी फिल करने संबंधित समस्या आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।